दारोगा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के कारण सूबे के 4011 ट्रेनी दारोगाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। याचिका कहना था कि दारोगा भर्ती की प्रक्रिया में नियम कानून को तार पर रख दिया गया था। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए भर्ती को रद्द कर दिया है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उसको पार्टली अलाउ करते हुए ये कहा है कि सिलेक्ट लिस्ट क्वैश कर दी है और रिटर्न की एग्जाम का रिजल्ट फिर से डिक्लेयर होगा और पूरा रिक्रूटमेंट उस स्टेज से फिर से होगा। कोर्ट ने कहा कि विशेष आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को केवल सामान्य वर्ग में चयनित करना अवैध है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उन परीक्षार्थियों को सम्मिलित किया गया जो मुख्य परीक्षा में कम अंक लाए थे। जो नियमों में शिथिलता की गई थी मेंस में उन सभी लोगों को बाहर करते हुए और सभी लड़कों का पुनः परिणाम घोषित किया जाएगा, उसके बावजूद सबका फिर से इंटरव्यू लिया जाएगा। इससे आज हम लोगों को न्याय की जीत मिली है और हम लोगों को आगे प्रक्रिया में पुनः शामिल करना पड़ेगा। इस फैसले के बाद 4011 ट्रेनी दारोगाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि सरकार के पास अब हाईकोर्ट में डबल बेंच में अपील करने का विकल्प है। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ।